नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। ओएलएक्स में चोरी की गाड़ी बिक्री करने वाले चोर को सांची पुरानी किताब दुकान के समीप खरीदार ने धर दबोचा और उसके पिटाई कर बिष्टुपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। खरीदार वश्य के अनुसार ओएलएक्स में दुपहिया वाहन सुजुकी एक्सेस बिक्री होने की जानकारी उनके बहनोई रिजवान को हुई। चैटिंग के बाद रिजवान ने गाड़ी खरीदने की इच्छा जताई, जिसको लेकर एक युवक 29 जुलाई को पुराने कोर्ट में आकर फोन किया, जहां रिजवान ने वशी के साथ पहुंचकर उस युवक को अपना नंबर देने को कहा, लेकिन उस युवक ने कहा कि यह नंबर वकील का है और अपना काफ़ी करीबी है। उसके बाद वकील द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 50,000 में गाड़ी को खरीद कर रिजवान अपने घर ले गया, लेकिन घर जाकर उसने इंजन और चेसिस नंबर की जाँच की तो गाड़ी के कागजात के साथ मिलान नहीं हो रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने उस वकील से की, लेकिन वकील मामले में आनाकानी करने लगा। वशी और रिजवान को उसके व्यवहार से चोरी की गाड़ी होने की आशंका हुई और उन लोगों ने बिष्टुपुर थाने में इसकी सूचना दी। वहीं इसी तरह की गाड़ी को एक बार फिर उस युवक ने अपने आईडी बदलकर ओएलएक्स में बिक्री करना चाहा, जिसकी जानकारी वशी और रिजवान को होने पर उसे साक्षी पुरानी किताब दुकान के समीप बुलाया, जहां वही युवक गाड़ी लेकर पहुंचा, जिसके बाद उन लोगों ने उसे धर दबोचा और उसकी पिटाई कर बिष्टुपुर पुलिस के हवाले कर दिया। खरीदारों ने इस मामले को लेकर यह भी आरोप लगाया कि जिस युवक द्वारा चोरी की गाड़ी को बिक्री किया जा रहा था, उसमें यह वकील भी संलिप्त है। उन लोगों ने यह भी बताया कि दबोचे गए युवक ने अपना नाम कभी राहुल तो कभी नीरज तो कभी गुड्डू बताया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करते हुए युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 29 तारीख को ये लड़का जो है 29 तारीख के दिन ओएलएक्स के माध्यम से हमने उससे चैटिंग किया। चैटिंग करने के बाद मेरे बहनों ही सब उसे चैटिंग करके उससे बोले कि आप नंबर दीजिए। नंबर देने के बाद वो कोर्ट में आता है, पुराने कोर्ट में आकर एक वकील के नंबर से कॉल करता है 4 से 5 बार। कॉल करने के बाद उससे जब हमने कहा कि भाई आप अपने नंबर दीजिए, बोले यही मेरा अपना नंबर है, मेरे यही वकील मेरा अपने हैं। सब करने के बाद वो लड़का फिर दोबारा भी वकील साहब के पास गया। वकील साहब ने पूरा फॉर्म भर दिया, डीटीओ के पास चल जाके वहां सिग्नेचर भी कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद वकील साहब के पास जब बहनोई साहब गाड़ी घर लेके आ गए हैं, एक्सेस गाड़ी है 125, जब लेके घर आए तो हमने उनको बोले पेपर दिखलाई, तो पेपर में सही नजर नहीं आ रहा था। हमने वकील के पास आया, वकील को कहा वकील साहब हमको बताइए ये जो इसमें नजर नहीं आ रहा है, इसमें कैसे देखे वकील साहब इंजन नंबर और चिकित्सा नंबर। तो वकील साहब बोले, वो लड़का बोला हम आएगा, हम बोले आप पढ़े लिखे वकील साहब है, एज एडवोकेट आप लॉयर है, आपसे गलती नहीं हो सकता, हम लोग हो सकता है। लेकिन वकील वाले नहीं, हमको बोला आके दे देगा आईडी दे देगा, मगर वो लड़का नहीं आया। और नहीं आने के बाद वकील साहब बोलते कि फोटो भी भुला गया उस बंदे का, एक दिन हुआ है पेपर देख के, बोलते फोटो भुला गया और मेरे बहनों के साथ का फोटो है, वो लड़का अपना फोटो बोलता भुला गया है। फिर हमने कोशिश किया, हमको बार एसोसिएशन के मेन के पास एक सदस्य के पास लेके जाया गया, वहां पर बैठ के मीटिंग करा दिया गया। फिर हमने नहीं देखा कि हमारे कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग हल कुछ मसला का, हम लोग बिष्टुपुर थाना गए हैं। बिष्टुपुर थाना के अंदर में बड़े बाबू से मिले हैं, उन्होंने कहा एक सना दर्ज, एक सना एप्लीकेशन लिख के दिए, हमने एप्लीकेशन लिख के दिया सब मैटर पूरा जो हमारे साथ वाक्य हुआ था कि ओएलएक्स से कैसे किया गया, किसके नंबर से कॉल आया 4 से 5 दफा, हम लोगों ने सब लिख के मेंशन करके उसमें हम लोग वो सना में दर्ज करके हम लोगों ने एफआईआर कर दिया है। आज ये लड़का फिर दूसरे मेल आईडी से एक एक्सेस गाड़ी ये सामने में खड़ा हुआ है, ये 05CD1203। अब ये प्रशासन के काम है कि पता करिए किसका गाड़ी है। फिर लड़का वही आया और इसके पैकेट से मैंने वॉलेट से उसके निकाला एक आईडी, और थाना स्टाफ भी सब यहाँ पर मौजूद है, उनके सामने जब निकाला उनके पैकेट से, और उनके सामने से वो आईडी फिर फर्जी बना के लिखाया हुआ, आधार कार्ड फिर फर्जी आधार कार्ड बना के लिखाया हुआ है। हमने फिर उनको दे दिया और जो थाना प्रभारी थे उनके हाथ में उनको दे दिया, पर्स दे दिया और लड़के को सही सुरक्षित तरीके से थाना को सौंप दिया हमने उसको, ताकि हम ओएलएक्स के द्वारा ही ओएलएक्स से द्वारा किया जा रहा है। पूरा फर्जी आईडी बना के लेके आता है, आधार फर्जी बना के लेके आता है, अपना ओनर बुक जो है गाड़ी का वो फर्जी बना के लेके आता है। उसका लड़के का नाम अलग अलग नाम है, पहले दफा हम लोगों को कॉन्टेक्ट किया था राहुल शर्मा बोल के, अभी दूसरे दफा अभी कॉन्टेक्ट किया है वो नीरज बोल के किया है, और इसके एक्चुअल में नाम अभी अपने कबूल रहा है, अपने मुंह से कहना पता नहीं। अब वो आईडी देने के बाद हमारे जो यहाँ के अभी क्या नाम बता रहा? अभी अपना नाम गुड्डू बता रहा है। कहाँ के रहने वाला है ये कुछ नहीं बताया, तो उतना में हमने पीसीआर को बुलाया, तो उतना में बिष्टुपुर थाना आके इनको अभी ले गए चले। पिछले बार ये वकील साहब को जान रहे आपने कुछ नाम बताया? वकील साहब का नाम पूरा मैंने उनका वीडियो करके वकील साहब का रखा हुआ है, वकील साहब हमको बुला के वहाँ मुकर रहे थे, लेकिन हमने वकील साहब का वीडियो कर लिया है। वकील साहब एज ए रजिस्टर्ड वकील है, जब बार के एसोसिएशन के पास गए तो वो लोग बोला कि वकील लोग कुछ नहीं होने देंगे, रहने दीजिए आप लोग
करिए, जो करना करिए, आप लोगों को केस करना करिए, हम लोग अपना वकील का पक्ष संभाल लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि वकील भी उससे मिला हुआ है? सर ये बात अब हम देखिए, जहाँ से न्याय मिलती है सर वहीं अन्याय हो रहा है, क्योंकि प्रशासन का काम है सिर्फ अरेस्ट करना और उसके बिहाफ पे छोड़ जाके कोर्ट में चले की कर देने के लिए, लेकिन ये काम न्याय जहां होता है सर, जहां से न्याय मिलता है वहां पर ये अन्याय हो रहा है। मैं मोहम्मद जियाउद्दीन खान, मैंने इस पिछले गाड़ी का 24 नंबर मिलाया और ऑनर बुक मिला रहा, तो फादर का नाम अलग है। ये वकील को मैंने कहा कि सर ऐसा तो बात तो बोला सब, लेकिन क्या हुआ ये 24 नंबर अलग और इंजन नंबर अलग है सर इसका। आपका जो बहन भाई को जो गाड़ी बिक्री किया, जी जी, कितना में बिक्री किया? वो 50,000 रुपए में बिक्री हुआ। पहले सौदा हो रहा था 60 में, 60 से 55 में आया, फिर 50 में वकील के सामने लेन देन हुआ है। क्या नाम हुआ बहनोई का? बहनोई का रिजवान। आप लोग रहते कहाँ? हम लोग रहते हैं ओल्ड पुलिया रोड में। अभी वो गिरफ्तार है? अभी वो लड़कों को मैंने गिरफ्तार करके पकड़ के, अपने हाथों से पकड़ के सुरक्षित तरीके से थाना के गाड़ी के अंदर में मैंने उनको बैठा दिया, थाना स्टाफ के सबके अंदर में, मंडल जी भी लेके गए अपने हाथों से। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।